हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनीज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई गुड़ और मूंगफली से बनने वाली है गुड़ और मूंगफली की चिक्की, जिसे बनाना तो बेहद आसान है। बहुत जल्दी ये बन जाती है और सर्दियों के मौसम में इसे खाना सभी को बहुत पसंद होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाया है, तो रेसिपी को ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखें। बहुत ही क्रिस्पी ये बनी है। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने एक कटोरी मूंगफली ली है और एक कटोरी गुड़ लिया है। तो ये मैंने कच्ची मूंगफली ली है, रॉ मूंगफली जो आती है मार्केट में एक कटोरी। तो बस इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसको हमें ऐसे भूनते रहना है चलाते हुए ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो लगातार इसको हमें ऐसे चलाना है। थोड़ा मैं चेक कर लेती हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा इसको भूनने में। बस ऐसे चलाते हुए हम इसको और भून लेंगे। जितना हम इसको भूनते जाएंगे ये क्रिस्पी होती जाएगी। तो बस हमें इसको लो फ्लेम पर ही भूनना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है ताकि इसमें जो ये थोड़े ब्राउन और ब्लैक स्पॉट होते हैं ना, वो ना पड़े। तो अच्छे से भून गई है, मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए मूंगफली, तब इसका हम ये छिलका निकाल कर अलग करेंगे। तो आप इस तरीके से हाथ से भी इसको ऐसे मसल कर अलग कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने इसको कपड़े में डालकर इसको इसके ऊपर से थोड़ा और कवर करके ऐसे हम हाथ से ऐसे रब करेंगे तो आसानी से इसके छिलके निकल जाते हैं बहुत जल्दी। और बस इसको हम ऐसे छन्नी में डालकर ऐसे छान लेंगे तो जो भी ये छिलके हैं वो निकल जाएंगे। तो मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं। तो बस इसको हम अब दो भाग में ऐसे तोड़ लेते हैं, जो नहीं टूटी है हमारी मूंगफली। इस कटोरी से ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करना है तो ये आसानी से टूट जाती है। इसको हम रख देते हैं साइड में। ये मैंने बटर पेपर लिया है। आपको भी प्लास्टिक शीट या बटर पेपर या प्लेट में भी इसको जमा सकते हैं। तो इस पर हम घी लगा देते हैं। ये काम हमें पहले करना है क्योंकि जब हम गरम गरम वो गुड़ की चिक्की बनाकर रेडी करेंगे तो उसमें फैलाना आसानी से हम कर सकते हैं। इसलिए हम इसमें पहले से बटर पेपर पे घी लगा कर रख लेंगे ताकि हम तुरंत ही इसको पे डाल सकें। तो एक कटोरी मैंने गुड़ लिया है, इसको ऐसे हमने तोड़ कर लिया है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ताकि ये आसानी से जल्दी से ये मेल्ट हो जाए और जले ना। तो ये देसी गुड़ है ताकि क्योंकि इसका ऐसा कलर लग रहा है, तभी इसका ऐसा कलर है। और बस इसमें डाला है मैंने एक चम्मच पानी। और बस इसको हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ऐसे इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो देख सकते हैं आप ये मेल्ट होने लगा है। बस ऐसे ही हमें लो फ्लेम पर चलाते रहना है और इसको हमें जब तक चलाना है ताकि इसमें थोड़ा ये बबल्स ऐसे आने लगे, उबाल आने लगे ऐसे। तो बस अब हम थोड़ी इसको चेक करेंगे, थोड़ा सा हम चम्मच में लेंगे और ठंडे पानी में इसको हम इसकी ड्रॉप्स डालेंगे। और बस इन ड्रॉप्स को हम इकट्ठा करके देखेंगे, ये क्रिस्पी होनी चाहिए। ठंडे पानी में ही हमें इसको डालना है। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कुछ सेकंड और हम इसको 15 से 20 सेकंड और पकाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें और अच्छे से बबल्स आने लगे हैं, उबाल आ गया है। बस हम इसको ऐसे थोड़ा और चलाएंगे और लगातार हम इसको चलाना है। स्पैचुला को इसको बंद नहीं करना है चलाना, नहीं तो हमारा गुड़ जो है वो जल जाएगा। तो अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है। अब मैंने इसमें डाला है एक चम्मच ये देसी घी। इसको डालने से इसमें ना गुड़ की चिक्की में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। तो इसको ज़रूर डालें, इसको स्किप ना करें। और बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी बनती है हमारी गुड़ की ये चिक्की। बस घी को मैंने अच्छे से मिला दिया है। बस अब हमें गैस को जो है बंद कर देना है तुरंत ही और मूंगफली को हमें डाल देना है। और बस जल्दी जल्दी हमें हाथ चलाने हैं और इसको मिलाते जाना है। गैस हमारी बंद हो गई है, बस इसको हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड़ को मूंगफली में। बस देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गई है ये। बस जो हमने बटर पेपर को ऐसे ग्रीस करके रखा था ना, उसको पे हम इसको डाल देंगे ऐसे। तो बहुत जल्दी हमें इसको तुरंत ही डाल देना जैसे हमें मिलाना है।
बस इसको हम थोड़ा ऐसे फैला देंगे स्पैचुला या चम्मच से किसी से भी। तो दो बटर पेपर का मैंने यूज़ किया है, इसको हम कवर करके अभी बेल लेंगे। तो जितनी हमें पतली या मोटी लेयर इसकी चाहिए पहले हम थोड़ा फैला लेते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी हमें ये करना है, नहीं तो ठंडी होने पर कड़क हो जाती है। बस इसको मैंने ऐसे इसको कवर कर दिया है, अब बेलन से लेके हम इसको बेल देंगे। बस कुछ चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे ही हम इसको गुड़ और मूंगफली को मिक्स करेंगे तो हमें तुरंत ही इसको इस पर ट्रांसफ़र करना है, या प्लेट आप जिसमें भी कर रहे हैं तो प्लेट में भी आप घी लगाकर उसमें ये चिक्की को ट्रांसफ़र करें, वो भी आसानी से आप उसमें फैला सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको बटर पेपर का यूज़ करना है, और गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो वो दांत में जब हम खाएंगे तो वो चिपकने लगता है। तो बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है बनती है गुड़ की चिक्की की। तो बस इसको अब मैं तुरंत ही थोड़ा कट कर लेती हूँ, ऐसे निशान बना लेते हैं हम, ताकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगी। तरीके से जितने बड़े छोटे पीसेस आपको करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो है ना कितना आसान है इसको बनाना, बस कुछ टिप्स का आपको ध्यान रखना है। तो आप भी इतनी ही क्रिस्पी ये चिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं, और हार्डली इसको 10 से 12 मिनट लगते हैं बनाने के लिए, और सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट से ही मिलकर बन जाती है। तो देखिए कितने आसानी से निकल गई, कितनी बढ़िया शाइन आई है। मैं तो कहूँगी आपको बाजार से भी अच्छी बनी है ये, और बहुत ही क्रिस्पी है, बिल्कुल भी दांतों में नहीं चिपकेगी आपके, अगर आप इस मेरे स्टेप को ये जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करेंगे तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये टूट रही है, और कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, और क्या शाइन आई है इसमें। तो ज़रूर ट्राई करें हमारी इस रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आएगी। देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से इसको तोड़ लिया है। बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी बनी है हमारी गुड़ की चिक्की की। तो देख सकते हैं आप, मैंने आपको प्लेट में रखकर भी दिखा दिया कि कितनी क्रंची और क्रिस्पी है ये। तो जरूर ट्राई करें हमारी इस रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।